दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जॉन डियर 5310। देख सकते हो इसका इंजन पहले से मैं खोल के रखा हूँ। इसका जो इंजन में है बहुत काला धुआं मार रहा था, इतना धुआं मार रहा था। इसका जो डीजल है घंटे में 10 लीटर 12 लीटर ले रहा था। क्या इसका जो मेन प्रॉब्लम है देख सकते हो, इसका जो पिस्टन है, पिस्टन का जो एक साइड का जो चलटा है निकल गया है। देख सकते हो बहुत बहुत निकल चुका है, जिसके लिए जो है गाड़ी में बहुत धुआं दे रहा था। अभी इसका जो पिस्टन है एक पुराना डाला हूँ, देख सकते हो, नया नहीं डालूंगा इसका जो पिस्टन। दोस्तों बारीक टाइप का जो है बूंद 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 आ गया है इसमें। ये जो है ये पुराना है और ये दोनों जो है बारीक बूंद बूंद आया है। ये गाड़ी के साथ का है, जो पिस्टन का जो ऊपर का जो चिल्टा है निकल के हर पिस्टन में चिपक गया है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है। वैसे ही पुराना पिस्टन और जो रिंग है, रिंग नया है, रिंग के साथ सेट करूँगा, नया रिंग के साथ, और शेयर बरिंग नया डाल दूँगा। देख सकते हो इसका पिस्टन रिंग का जो पार्ट नंबर है PY0382, इसका पार्ट नंबर है। और देख सकते हो पिस्टन का जो पुशरट का जो गिलास है, इस तरीके का रहता है गिलास, ऊपर से इसका गिलास जो है निकल जाता है। अभी सारा जो सामान है सामान को सेट करूँगा। देख सकते हो इसका जो शेयर बेरिंग है, शेयर बेरिंग को सेट करेंगे पहले। देख सकते हो इसका जो शेयर बेरिंग है कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग करना है शेयर बेरिंग को। इसमें खाँचा है, खाँचा में आपको सेट करके देना है। अभी गाड़ी को सेट करेंगे, पिस्टन को किस तरीके से सेटिंग किया जाता है उसको दिखाऊंगा आपको। तो इस तरीके से थोड़ा आई लेफ को पिस्टन में और लाइनर में लिपाई कर लेना है। देख सकते हो एक गिलास है, गिलास को कुछ इस तरीके से पहले आपको सेटिंग कर लेना है। देख सकते इस तरीके से आपको पिस्टन का जो पिलिका है, पिलिका बैठा के पिस्टन को सेट करना है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो पिस्टन। देख सकते हो शेयर का जो कैप है, कैप को तीनों सेट कर लिया हूँ। अभी इसका जो टार्क पाना है, इस टार्क 60 पाउंड का है, टार्क 60 पाउंड का है, 160 पाउंड का टार्क पाना है। इसमें 70 पाउंड रख के इसको हम टाइट कर रहे हैं। देख सकते हो अभी 70 पाउंड में टाइट करना है इसको। चलो बस ऐसी आवाज़ आने से टाइट हो जाएगा, ऐसी आवाज़ आना चाहिए। देख सकते हो इस तरीके से आप अपना जो है कनेक्टिंग का बोल्ट टाइट कर सकते हो। देख सकते हो हालांकि इसका जो पिस्टन के साथ हेड भी ख़राब हो चुका था, हेड का जो है सीट भी डाल के लेके आया हूँ। देख सकते हो इसका सीट इस तरीके से जो काट के सेट कर दिया है लेद वाले लोग ने, और इसका वॉल भी बाहर से लेके आया हूँ। देख सकते हो इस कंपनी का एक कार वॉल, और देख सकते हो इसका जो है वॉल ऑयल सील है। इसका पार्ट नंबर है RE31615, 6 पीस है, 336 रुपये रेट है इसका। इस तरीके का है इसका वॉल ऑयल सील, पहले वॉल ऑयल सील को सेट कर लेंगे। देख सकते हो इसका वॉल का ऑयल सील है, ऑयल सील को कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, आराम से हाथ से आप सेट कर सकते हो। देख सकते हो इसका वॉल है, वॉल को कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। पहले क्या हेड को पूरा अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, नहीं तो कचरा रहने से आवाज़ भी खराब आ सकता है। तो इसमें निशान भी है, थोड़ा कैमरे को आगे लाओ। दोस्तों इसको निशान भी लेद वाले लोग मार के दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। बाहर में भी इसका जो वॉल है वॉल मिल जाता है, बाहर में बहुत सामान मिल जाता है इसका। कैमरे को नीचे करो थोड़ा,
देख सकते हो इसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से पहले ऑयल सील को सेट करके इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है। उसके ऊपर में जो लॉक है, लॉक लगाने के लिए इस तरीके के ऊपर का इसका कॉलर, अभी लॉक को सेट करेंगे। देख सकते हो इस तरीके का लॉक है, ऊपर में एक खाँचा है, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। देखो तो लॉक को सेट कर लिया, अभी पाना से इस तरीके से आपको आराम से जो है फिटिंग कर लेना। लॉक फिक्स हो चुका है, इस तरीके से सेट कर लेना। देख सकते हो पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। इसका जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट को भी सेट कर लिया हूँ। इस तरीके से आपको सेटिंग करना है हेड गैस्केट, क्या ये उल्टा सेटिंग नहीं होगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। थोड़ा आयल भी इसमें लगा लिया हूँ, अभी हेड को सेट करेंगे। देखो तो हेड पूरा बन के रेडी है मेरा, अभी हेड को सेट करूँगा। पहले हेड को ऊपर उठा लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊँगा आपको। देख सकते हो हेड को जो है सेट कर लिया हूँ। इसका जो बोल्ट है, बोल्ट को भी टाइट कर लेना है आपको इस तरीके से। देख सकते हो 80 पाउंड इसको टाइट करना है इस तरीके से। आपको 80 में सेट करके इसको टाइट कर सकते हो इस तरीके से। सबको जो है इसको टाइट करना है। आवाज देने से आपको और ज्यादा नहीं टाइट नहीं करना है। देखो तो पुश रॉड कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है। इसका जो है नीचे में यहाँ पर जो है खराब हो जाता है, इसको आपको चेक करके सेट करना है। तो यहाँ पर जो है घिस जाता है, घिसने से यहाँ खराब हो जाता है। इस तरीके से आप जो है पुश रॉड को सेट कर सकते हो। अभी रॉकर सेट को लेके आऊँ। इस तरीके से आपको जो है रॉकर सेट करना है। पीछे जो है पुश रॉड में जो है बोल्ट एलिंग की सेट होना चाहिए पीछे में। देख सकते हो टेफिट को भी सेट कर लिया हूँ अच्छे से। अब इसका टेफिट कवर जो पैकिंग है, और टेफिट कवर को सेट करूँगा। सेट करके आपको सुबह स्टार्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से जिसका साउंड है, धुआं है, सुबह दिखाऊंगा। क्या बहुत रात हो चुका है इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा रात हो गया है क्या है। सकते पूरा जो गाड़ी है बना के कम्प्लीट कर लिया हूँ। साइलेंसर भी सेट कर दिया हूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो साउंड हुआ है इसका। चलो स्टार्ट करो। देख सकते हो एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है बिना पिस्टन बदले हुए खाली रिंग लगा के गाड़ी सेट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है अब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ये गाड़ी का ऑनर है। अभी एकदम नहीं है, पहले बहुत हुआ आ रहा था गाड़ी, खाली पिस्टन टूटने के कारण। चलो निकालो। बहुत दिन गाड़ी था खुला, सामान के लिए दिक्कत आ रहा था,